नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस के विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, आपके सितारे में हम आपको बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं हम कि राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे कि आपका दिन शुभ हो सके। और साथ ही आचार्य जी हमें बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। और आज पंडित जी आपको बताएंगे कि नजर टोना टोटका आदि से बचने के लिए उपाय आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की है, आइए मिलकर आरंभ करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आपको लग गई है किसी की बुरी नजर? क्या किसी टोटके ने आपकी जिंदगी में घोल दिया है जहर? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से अभिचार कर्म से मुक्ति के उपाय। बिल्कुल, तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी की नजर लग गई है, अगर आप ये सोचते हैं कि आप पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, तो उसके लिए आप उपाय क्या क्या कर सकते हैं ये हम आज के इस एपिसोड में जानेंगे। तो आपको बता दें दोस्तों कि आपके सितारे जो है वो आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं। अगर कोई दुविधा है तो उसको शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, हम पंडित जी से जानेंगे आज का उपाय क्या कर सकते हैं आप अगर आपको टोना टोटका किसी ने किया है आपके ऊपर या आपको किसी की नजर लग गई है तो। और अगर आपके मन में कोई और सवाल भी है, अगर आप अपनी कुंडली या ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता आपको परेशान कर रही है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे टेलीफोन नंबर से इस कार्यक्रम के दौरान लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे और आप चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सितारे की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 मास पौष चल रहा है, तिथि कृष्ण पक्ष की पंचमी का दिन है आज और बुधवार पड़ रहा है, नक्षत्र है मघा, योग है आयुष्मान, करण है कौलव। चलिए बिल्कुल, तो पंचांग के बाद हम बात कर लेते हैं राशियों की, जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के बारे में बात करना चाहेंगे, देखते हैं कि मेष राशि वाले लोगों का राशिफल क्या कहता है। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है और आज की दिनचर्या में आपको किसी के साथ कोई गलतफहमी भी हो सकती है। आज आपको बचना है किसी भी गलतफहमी से और गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम तूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। किसी भी प्रकार का मतभेद आप लोगों के बीच में नहीं होगा, किसी भी वाद विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को लेकर के आपको मन में पहले से कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए आज। चलिए, तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन, आइए जानते हैं आचार्य जी से। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को नौकरी में आज कोई समस्या आ सकती है, बाधा आ सकती है, रिश्तों में सुधार आएगा। जो आपके संबंध काफी समय से बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो गए थे, संबंध टूटने की स्थिति पे थे, तो आज उनमें बहुत सुधार आने वाला है। ओम परस्मय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिहाज से उत्तम दिन नहीं है तो आज यात्रा से बचिए। चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि मिथुन राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचे ताकि उनका दिन शुभ हो सके। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको सावधान रह करके काम करने की आवश्यकता है। पुरानी उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। जो भी आप तनाव में थे, जो भी उलझन थी जिसने आपको काफी परेशान कर रखा था, तो आपका दिन आज सुधर जाएगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज आपको किसी को कटु वचन यानी कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों को, खासकर नौकरी पेशा लोगों को आज पदोन्नति यानी प्रमोशन की संभावना बनती दिखाई देती है। कोई भी निर्णय आज आपको धीरज के साथ करना चाहिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए नागराज यज्ञोपवीत वते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज के दिन यदि आप बिजनेस में कोई पार्टनरशिप प्लान कर रहे हैं तो उससे आपको बचना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या खास लेकर आया है आज का दिन सिंह राशि वाले लोगों के लिए।
सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, दिमागी उलझनों से छुटकारा मिलने वाला है। जो आप तनाव बहुत दिन से झेल रहे थे, आज आपका कोई बहुत विशेष कार्य हल हो जाए जिससे आपके इस तनाव में कुछ कमी आएगी। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं आज निवेश न करें। चलिए दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि अगर आपको किसी ने छोटा टोटका किया आपके ऊपर, या फिर आप किसी की बुरी नजर से प्रभावित हैं, आपको लगता है कि आपको किसी की नजर लग गई है, तो हम महा उपाय जानेंगे आचार्य से कि आप कैसे बच सकते हैं टोटके से और बुरी नजर से। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन क्या खास लेकर आया है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कई रुके हुए कार्य आज सिद्ध होने वाले हैं, लेकिन आज की दिनचर्या में आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। तो आज आपको यात्रा वही करनी चाहिए जो आपके हित में हो, और बहुत ज्यादा व्यर्थ की यात्राओं से आपको आज बचना है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए हम द्वैमात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज की दिनचर्या में आपको, जैसे मैंने बताया, यात्रा वही करनी है जो आपके हित में हो, जिसमें आपका लाभ निश्चित हो। हर तरीके की व्यर्थ की यात्रा, कोई भी आपको कोई सुझाव दे रहा है और आप कहीं जा रहे हैं, इससे आपको बचना है। इससे आपको सिर्फ रुपए पैसे की हानि मिलेगी और उसके साथ साथ स्वास्थ्य की कुछ समस्या भी मिल सकती है। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। गुलशन जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है गुलशन आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ जी। किसके बारे में जानना है आपको? जी नमस्कार, बताएं। मेरी जन्म तिथि है 23 सितंबर 1963। जन्म का समय बताइए गुलशन। सुबह 8:20 जी। और जन्म का स्थान? देहरादून। पूछिए अपना सवाल आप। मेरी आज की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, ऐसा क्या कोई उपाय बताएं जिससे आपकी किसी पहले जैसी हो जाए? जी गुलशन जी, आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र की महादशा चल रही है और अंतरदशा राहु की है। यूं तो शुक्र देव आपकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी हैं, लेकिन अपने से 12वें स्थान में व्यय भाव में जाकर के बैठ गए हैं, जिससे आपके खर्च की स्थिति बहुत ज्यादा है और आय में कहीं ना कहीं से कमी हो रही है। वर्तमान समय में आपको करना ये चाहिए कि आप माँ लक्ष्मी की निरंतर आराधना करें। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की आराधना करने से आपकी आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपको अच्छे कार्य व्यापार की एक प्राप्ति होगी। जो आपका रोजी रोजगार चल रहा है, उसको स्वयं को आप स्थापित कर सकते हैं, इससे आपको काफी सहायता मिलने वाली। चलिए, यहाँ पर रश्मि जुड़ गई है हमारे साथ, एक दर्शक कानपुर से। स्वागत है आपका रश्मि, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हेलो, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। अपनी बेटी की जन्म तिथि बताइए रश्मि। जी, 2004 दिसंबर। जी जी, तारीख पूरी बताइए रश्मि। 4/12/2000। 4/12/2000 जी। या जन्म का समय? जन्म का समय 12:05 दोपहर के और सोमवार। जी, जन्म का स्थान बता दीजिए। कानपुर। जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरी बेटी मतलब पढ़ाई तो बहुत करती है, लेकिन उसका मतलब मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। जी देखिए, आपकी बिटिया की जन्म पत्रिका में कुछ योग ऐसे हैं जो उसकी पढ़ाई में बाधक बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना ये चाहिए कि शनिवार के दिन आप एक नारियल ले लें और उसके सिर से घुमा करके किसी जल स्थान में प्रवाहित करें, और ये प्रयोग आपको निरंतर 8 शनिवार करना है। ऐसा कर लेने से आपको काफी सहायता मिलेगी। और बच्चे के लिए आप एक छोटे से गणेश जी की, गणपति की प्रतिमा या मूर्ति ला दें, क्योंकि उसकी कुंडली में विद्याभाव के स्वामी ही बुध ग्रह हैं, जिनके स्वामी भगवान गणेश बनते हैं। तो उनको आप अपने बच्चे को, अपने जातक को आप थोड़ा सा प्रेरित करिए भगवान गणेश की आराधना के लिए, निश्चित लाभ मिलने लगेगा। चलिए, यहाँ पर रानीगंज से जुड़ गए हैं हमारे साथ संदीप। स्वागत है आपका संदीप, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। सर, मैं रानीगंज से। जी, अपने बारे में जानना चाहता हूँ। अपनी जन्म तिथि बताइए संदीप। जन्म तिथि नाम बताइए। बताइए। शादी में पारी। जी देखिए संदीप, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है वो केतु की महादशा में शनि की अंतरदशा का समय है। ये जो आपने प्रश्न किया है उसके अनुसार ये प्रश्न लग्न आपका बता रहा है, और केतु की जो दशा है, शनि की जो अंतरदशा है, वो आपके लिए बहुत शुभ नहीं बन रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ मानसिक संताप, कुछ उलझन, कुछ तनाव की स्थिति रहेगी। आपके किसी भी कार्य में बाधा आएगी, काम बनते बनते बिगड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको पक्षियों को 7 तरीके का अनाज, जिसे सप्तधान या सतंजा कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, आपको वो देना चाहिए। गौ माता की सेवा आप नियमित करें। शनिवार के दिन जो है आप बंदरों को काले चने खिलाएं तो आपको लाभ मिलेगा।
आटे की गोलियां बना करके उसमें कुछ मीठा मिला लें, और वो अगर आप किसी तालाब में, कुंड में, जलाशय में मछलियों के लिए चारा डालते हैं तो आपको उससे भी बहुत फायदा मिलेगा। ये प्रयोग आपको अपने नियमित दिनचर्या में करना चाहिए और अब से आरंभ करके कम से कम एक साल करिए, आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर हरिद्वार से जुड़ गए हैं हमारे साथ विपुल। स्वागत है आपका विपुल, किसके बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, मेरे को अपने बारे में जानकारी चाहिए। अपनी जन्मतिथि बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1988। जन्म का समय? जन्म का समय है 3:50। सुबह के या दोपहर के? दोपहर के जी। और जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान है मेरा कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उस टाइम उत्तर प्रदेश में पढ़ता था। जी जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे को अपने एक तो फ्यूचर के बारे में जानना है, दूसरा मेरा अभी ये 2013 से पहले 30 तारीख को मेरा रात एक्सीडेंट हुआ अचानक जी, तो मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा जिस क्षेत्र में मैं रोजगार के क्षेत्र में जी, उस क्षेत्र में मेरे को तरक्की मिलेगी या उसी में मेरे को प्रोन्नति मिलेगी या सरकारी नौकरी के आवास है? देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है वो मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा का समय है, और ये समय आपके लिए 17 फरवरी तक थोड़ा सा दुर्घटनाओं, चोट चपेट, एक्सीडेंट से परिपूर्ण समय है। ज्योतिष शास्त्र में जो सबसे ज्यादा चिर परिचित अति शत्रु कहे जाते हैं या प्रतिद्वंद्वी कहे जाते हैं, वो प्रतिद्वंद्वी हैं मंगल और शनि, आपस में बहुत ज्यादा विरोध रखते हैं, और जब ये किसी की कुंडली में संयोग बना लें या शुभ योग बना लें या महादशा अंतरदशा में एक साथ आ जाएं तो इस तरीके की उथल पुथल जीवन में अवश्य होती है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, आर्थिक नुकसान, पारिवारिक कुछ विघटन की स्थिति, परिवार का टूट जाना, भाई बंधु से वाद विवाद, आर्थिक नुकसान हो सकता है, चलता व्यापार, नौकरी में बाधा आ सकती है, तो इस समय में आपको कहीं इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, खास करके प्रॉपर्टी या आपको कोई नए वाहन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बिजनेस का या अपना कहीं कोई बड़ा एक्सपेंशन ना करें। ऐसे समय में ज्यादा से ज्यादा हनुमत आराधना से आपको लाभ मिलेगा, जितना ज्यादा आप पाठ हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का करेंगे वो आपको फायदा देगा, और 17 फरवरी के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। चलिए, यहाँ पर लखनऊ से जुड़ गए हैं हमारे साथ अभिषेक, आपका स्वागत है। अभिषेक, किसके बारे में जानना है आपको? जी, मेरा नाम अभिषेक त्रिवेदी, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, मेरा जन्म जो हुआ है वो 9 नवंबर 1989 को हुआ था। जी जी, शाम को 3:30 बजे। जी, शाम को 3:30 बजे हुआ था मेरा जन्म। जन्म स्थान बताइए अभिषेक। हेलो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम कोई भी काम करते हैं वो काम पूरा नहीं हो पाता है। जी जी जी, देखिए अभिषेक, आपकी जन्म पत्रिका में शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा है, शनि आपकी कुंडली में 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और बैठ गए हैं 10वें स्थान में, तो जब 11वें भाव के स्वामी हैं और 10वें में आ गए तो ये अपने लिए बहुत अच्छा संयोग नहीं कहा जाता, किसी भी ग्रह का अपने भाव से 12वां जाना, 12वें बैठना ये बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको शनिदेव के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, शनिवार के दिन, क्योंकि बृहस्पति का संयोग है तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना, वहां पे एक दीपक जलाना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है, तो आप सरसों के तेल का एक दीपक वहां जला दीजिए, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए, ये प्रयोग आपको 18 शनिवार के दिन करना चाहिए, आपको जल्दी फायदा मिल जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर हमारे लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको किसी की नजर लग गई, अगर आपके ऊपर किसी ने टोना टोटका किया है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, उपाय क्या है। फिलहाल रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके सितारे में। हम बढ़ेंगे आगे और आप जानते हैं कि तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज पारिवारिक वाद विवाद और घरेलू उलझने कुछ बढ़ सकती हैं, और उसके साथ साथ आपके आकस्मिक खर्च भी बढ़ेंगे, उसमें भी कुछ वृद्धि आएगी। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज के दिन में आपको निवेश करने से यानी किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या ना करें कि उनका दिन शुभ हो सके। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को संतान व जीवन साथी की आवश्यकता पर खर्च करना पड़ सकता है। आज आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आपसे कुछ
डिमांड्स रख सकते हैं जिन्हें आपको पूरा करना पड़ेगा। करियर के लिहाज से समय बेहतरीन है, आपको अगर अपने करियर की तरफ ध्यान देना है तो यही समय सबसे ज्यादा है। अपने करियर में आप अपने बॉस से आज कुछ बात कर सकते हैं, आपके लिए प्रमोशन के चांसेस और प्रॉफिट्स के बेनिफिट्स के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। मांसाहार से आज आपको बचना चाहिए। चलिए बिल्कुल दोस्तों, तो बढ़ेंगे आगे हम और जानते हैं कि धनु राशि वाले जो लोग हैं वो आज के दिन क्या करें और क्या ना करें ताकि उनका दिन जो है वो शुभ हो सके। धनुराशि वाले जातक लोगों को आपके परिवार पर आज आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऑफिस में तरक्की मिल सकती है, यानी प्रमोशन मिल सकता है। आपके कार्य की आज आपको तारीफ मिल सकती है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इसका जाप करना आपको लाभ देगा। और आज आपको ध्यान ये भी रखना है कि मांसाहार और मद्यपान के प्रयोग से, उनके सेवन से आज आप बचें। चलिए अब जानते हैं कि क्या खास लेकर आया है आज का दिन मकर राशि वाले लोगों के लिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए क्रोध व उत्तेजना से परेशानी हो सकती है। शुभ कामों में कुछ बाधा आ सकती है, लेकिन अगर कोई बाधा आ जाए, कोई आपके कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावट आ जाए तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। अपने आत्मविश्वास को बना करके रखिए। ये अवश्य आप जानिए कि दैवी कृपा आपके साथ है। आपका कार्य थोड़ा विलंब से ही लेकिन सिद्ध जरूर होना है। आज की दिनचर्या को और अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। आप हर कार्य में दक्ष हो सकते हैं और बहुत दक्षता से कार्य सिद्ध कर सकते हैं। और आज की दिनचर्या में यात्रा का आज प्रसंग जो है वो आपको टालना चाहिए। किसी भी लिहाज से यात्रा आपके पक्ष में नहीं है। चलिए अब जानेंगे हम कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को थोड़ा समय रुकावटों भरा हो सकता है। क्रोध से बचना चाहिए, ये आपके कार्य में और ज्यादा बाधा कर सकते हैं। आप ज्यादा क्रोध करेंगे तो आपके बने हुए कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। तो आज आपको क्रोध से बचना है। अपने व्यवहार को बहुत सात्विक रखें, बहुत नियंत्रित रखें, बहुत सौम्य रखने का प्रयास करिए। श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान श्री गणेश जी का जो स्तवन है, अगर आप उसका पाठ आज करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। संतान पर क्रोध करने से आज आपको बचना है। चलिए दोस्तों, अंत में जानते हैं कि क्या खास लेकर आया है आज का दिन मीन राशि वाले लोगों के लिए। मीन राशि वाले लोग जो है वो आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचें। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको धन की प्राप्ति होने की संभावना है। जिन लोगों के साथ मस्तिष्क की पीड़ा संबंधित कोई समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, खासकर जिसे माइग्रेन कहते हैं, अधकपारी जैसी समस्या आज वो बढ़ सकती है। तो सिर में दर्द की समस्या की शिकायत को लेकर के आज आप परेशान रहेंगे, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। ठंड से बचने का प्रयास करिए। श्री दुर्गा सहस्त्रनाम स्त्रोतम का पाठ करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। घर में कोई भी जंग लगा हुआ धातु का धारदार सामान आज आपको अपने आसपास ना रखना चाहिए, ना ही उसका कोई प्रयोग करना चाहिए, उससे आपको आज कुछ खतरा हो सकता है। चलिए दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। यहाँ पर सोनी जुड़ गई है हमारे साथ दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना है आपको? जी अपने बारे में जानना है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26/6/1978। जी जन्म का समय बताइए सोनी। सुबह 7:40। जन्म का स्थान? बिहार आरा। जी पूछिए अपना सवाल। सवाल ये कोई भी काम करते हैं तो काम मेरा पूरा नहीं हो पाता। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में बुध की महादशा में केतु की अंतरदशा है। बुध एक तरफ आपकी कुंडली में तृतीय भाव, दूसरी तरफ 12वें भाव के स्वामी और बैठे भी 12वें स्थान में ही है। तो 12वां स्थान जो है वो व्यय का है और तीसरा भाव जो है वो संघर्ष का है। तो ये दोनों संयोग जो है वो आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति को बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देवी दुर्गा की आराधना कर लेना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना और उसके साथ साथ आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करना। हर बुधवार के दिन खासतौर पे गणेश मंदिर जाकर के सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना, मोदक यानी लड्डू अर्पित करना और उसके साथ साथ जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है दूर्वा, दूर्वा जिसे दूब कहते हैं, दूब एक घास होती है, वो किसी भी गणेश मंदिर के आसपास बहुत आसानी से मिलती है, तो आप वो लेकर के उनके चरणों में अर्पित करिए। ओम गणपतये नमः मंत्र का जाप करिए, सारी समस्या दूर हो जाएगी। चलिए यहाँ पर रोहित जुड़ गए हमारे साथ एक दर्शक हरिद्वार से। स्वागत है आपका रोहित। किसके बारे में जानना है आपको? अपने बारे में। अपनी जन्म तिथि बताइए। 6/12/1989। दोबारा बताइए रोहित, आपको साफ नहीं सुन पाए हम। 6/12/1989। जी समय बताइए रोहित। 3:47। ये सुबह का है या दोपहर का? रात दोपहर का ही है। दोपहर का है जी। जन्म का स्थान बता दीजिए। अम्बाला हरियाणा। सवाल
हेलो, पूछिए अपना सवाल रोहित, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं जॉब लगाऊं तो हट जाता हूँ बार बार, ये क्या परेशानी है? देखिए, शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा है, ऐसी समस्या ऐसी दशा के समय में आपको हनुमत आराधना करनी चाहिए, यही आपके लिए एक बहुत ज्यादा गुस्से का एग्रेशन का कारण है। मानसिक संतुष्टि नहीं हो पाती है, मन से संतुष्टि नहीं हो पाती है, आपकी वाणी आपका बर्ताव व्यवहार जो है वो खराब होता जा रहा है, अंदर से चिड़चिड़ापन रहता है, जिससे आपको तमाम सारी समस्याएं मिल रही हैं, वो जॉब में भी हो सकता है, परिवार में भी टेंशन बनेगी और रुपए पैसे का नुकसान भी होगा। तो उससे बचने के लिए बजरंग बाण का पाठ अगर आप नियम से करते हैं तो जल्दी ही फायदा मिल जाएगा। जी दोस्तों, अब समय है आज का महा उपाय जानने का। अगर आप पर किसी ने टोना टोटका किया है, आप पर किसी की नजर लग गई है, तो उससे बचने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं आचार्य जी से। जी, बहुत ही आवश्यक है आज इन बातों को समझ पाना कि कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इन सारी चीजों से पीड़ित रहता है, परेशान रहता है और वो निरंतर हमारे संपर्क में आता रहता है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है नूरी कि जिसे हम टोना टोटका कहते हैं, अंग्रेजी में इसे ब्लैक मैजिक कहा जाता है, सबसे ज्यादा केसेस अगर हमारे पास कहीं से आते हैं तो वो बहुत बड़ी सोफेस्टिकेटेड और बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली से आते हैं और विदेशों से आते हैं। तो इन चीजों का क्रम ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे यहाँ मानी जाती हैं या की जाती हैं, विदेशों में एक दूसरे से जलन के कारण, जेलसी के कारण ये सबसे ज्यादा होता है। तो आइए, अगर आपको ऐसा कुछ अंदेशा है तो मैं आपको उसके कुछ एक उपाय बताता हूं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे पहला प्रयोग ये है कि संध्या के समय में आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूं उसको पढ़ते हुए अपने घर में धूप बत्ती जलानी चाहिए, या धूप या गुगुल का अगर आप धुआं करते हैं तो आप किसी भी दूसरे व्यक्ति की बुरी नजर से, किसी टोना टोटका, तंत्र मंत्र या जो जिसे अभिचार कर्म कहते हैं, ब्लैक मैजिक कहते हैं, काला जादू जिसे कहते हैं, उसको आप उतार सकते हैं, वो आपके ऊपर से, आपके परिवार से उतर सकता है, वो नष्ट हो जाता है। आपको करना यह है कि इस छोटे से प्रयोग को करें, इस जो मैं मंत्र बताऊंगा उसका जाप करें, जिससे आपके घर का वातावरण विशुद्ध रहे, निर्मल रहे। देव दानव सिद्धौग पूजिता परमेश्वरी पराण रूपा परमा पर तंत्र विनाशिनी, इस मंत्र को एक बार पुनः सुन लें। देव दानव सिद्धौग पूजिता परमेश्वरी पराण रूपा परमा परतंत्र विनाशिनी, इस मंत्र को आपको 11 बार पढ़ के अपने घर में धूपबत्ती घुमानी है, पूरे घर में धूप देनी है, या आप चाहें तो गूगल का प्रयोग भी कर सकते हैं, गूगल की धूप भी जला करके दिखा सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र किया है या व्यभिचार कर्म, जिसे मारण मोहन सम्मोहन कहते हैं, काला जादू कहते हैं, ब्लैक मैजिक कहते हैं, अगर आपको ऐसा अंदेशा है तो उससे बचने के लिए कुछ और बहुत ज्यादा माने हुए प्रयोग है। सबसे बड़ा प्रयोग यह है कि आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं, भगवान शिव का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, रुद्राभिषेक करा करके आप इसकी काट कर सकते हैं तंत्र मंत्र की। दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी आप इसकी काट करवा सकते हैं, किसी योग्य आचार्य से आप इन अनुष्ठान को कराइए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। महाविद्या स्त्रोत का पाठ करने से, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के नियमित पाठ करने से भी, किसी भी बड़े से बड़े तंत्र मंत्र से, काले जादू से और जितने भी व्यभिचार कर्म है, मारण मोहन सम्मोहन वशीकरण, इनसे निश्चित ही बचा जा सकता है, पूरी गारंटी के साथ आपकी सुरक्षा होती। चलिए बिल्कुल, तो आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके सितारे में आने के लिए और आज का महा उपाय बताने के लिए। जी, आभार। दोस्तों, आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए समाचार प्लस।